पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक पुरकशिश और हसीन चेहरा जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 60 और 70 की दहाई फिल्म स्टार नगमा के अरूज का दौर रहा। किसी भी फिल्मी पोस्टर पर नगमा की तस्वीर उस फिल्म की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। फिल्म स्टार नगमा ने उस दौर के तमाम बड़े बड़े फिल्मी हीरोज के साथ बतौर हीरोइन काम किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक गलती से फिल्म स्टार नगमा का कैरियर तबाह हो गया। ऐसी गलती जिसके गम में खुद को 2 साल घर में कैद किया। जब होश आई तो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री के जन्म रुख किया, मगर वही फिल्म एक्ट्रेस जो फिल्मों में हीरोइन आती थी उसको स्पोर्टिंग रोल मिलने लग गए। और आज नगमा बेगम कहाँ है, किस हाल में है, कैसे अकेले गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है, जरूरियात जिंदगी और जरिया आमदन क्या है, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माजी की नामवर अदाकारा कैसे अकेले जिंदगी बसर कर रही है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। फिल्म स्टार नगमा की मौजूदा हालत के बारे में बताने से पहले आपको माजी में लिए जाते हैं। फिल्म स्टार नगमा, जिसका असल नाम जुबैदा है, जो 25 मार्च 1946 को लाहौर में पैदा हुई। जुबैदा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ये एक मतवस्त घराना था, एक बड़ी फैमिली जिसमें टोटल 4 बहनें और 3 भाई थे, यानी टोटल 7 बहन भाई थे। जुबैदा ने मैट्रिक तक तालीम लाहौर से हासिल की। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे जिस वजह से तालीम जारी ना रख सकी। जुबैदा ने अपने वालिद की सपोर्ट की खातर खुद काम करने का फैसला किया। वैसे जुबैदा को बचपन ही से अदाकारी का बहुत शौक था। जुबैदा की दोस्तें उसको फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया करती थी, क्योंकि जुबैदा देखने में बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। घर वाले नहीं चाहते थे कि जुबैदा फिल्मों में काम करे, लेकिन घरेलू मजबूरियों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर MJ राणा ने जुबैदा को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म जिसका नाम था रानी खान, जो 4 नवंबर 1960 को रिलीज हुई। इस फिल्म में मुआवन अदाकार के तौर पर जलवागर हुई। इस फिल्म में हीरो अकमल जबकि हीरोइन हुस्ना थी और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर ताहर ने अपनी फिल्म चौधरी में बतौर हीरोइन मुतारिफ करवाने का फैसला किया, लेकिन इससे कबल जुबैदा से अपना नाम तब्दील करके नगमा रख लिया। इस फिल्म ने सही मायनों में नगमा को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई। फिल्म स्टार अकमल नगमा बेगम के हीरो थे और ये फिल्म कामयाब हो गई। फिर इसके बाद फिल्म मेहताब, माँ के आंसू और फिल्म डाची में एज ए सेकेंड हीरोइन जलवागर हुई। ये तीनों फिल्में ब्लॉकबास्टर फिल्में थी। फिर 1964 की मकबूले जमाना फिल्म हथ जोड़ी, जिसमें एक बार फिर अकमल हीरो जबकि हीरोइन नगमा बेगम थी, जबकि ये मुनव्वर जरीफ के कैरियर की पहली मेगा हिट फिल्म थी जिसने मुनव्वर जरीफ को बामे अरूज पर पहुंचाया। फिल्म हथ जोड़ी अपने वक्त की बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म ने फिल्म स्टार नगमा को सफे अव्वल की अदाकाराओं की लिस्ट में ला खड़ा किया। 1966 में फिल्म भरिया मेला, जिसमें एक बार फिर नगमा और अकमल एक साथ स्क्रीन की जीनत बने, ये भी फिल्म बहुत कामयाब हुई। फिर 1969 की ब्लॉकबास्टर फिल्म दिया और तूफान, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रंगीला थे। इस फिल्म में एजाज और नगमा एक साथ स्क्रीन की जीनत बने। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें उस वक्त बहुत बड़े बड़े अदाकार शामिल थे। इसी साल नगमा की दूसरी और फिर तीसरी मेगा हिट फिल्में रिलीज हुई, जिनके नाम है दिलाने सौदे। फिल्म दिलाने सौदे में फिरदौस बेगम और नगमा बेगम एक साथ बतौर फिल्मी हीरोइन जलवागर हुई, और ये दोनों एक्ट्रेसेस अपने वक्त की टॉप फिल्मी हीरोइन थी। इन दोनों फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। नगमा बेगम की इन दोनों फिल्मों ने दिलाने सौदे और तेरे इश्क निचाया, इन दोनों फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। इस तरह 1969 में नगमा की 3 गोल्डन जुबली फिल्में रिलीज हुई, जो कि एक एजाज की बात थी। 1970 में नगमा बेगम की फिल्म अनवरा रिलीज हुई, जिसमें एक बार फिर फिल्म स्टार एजाज और नगमा एक साथ स्क्रीन की जीनत बने। ये एक पंजाबी फिल्म थी और ये पहली पंजाबी फिल्म थी जिसने कराची सर्किट में प्लैटेनियम जुबली मनाई, जो 75 हफ्ते सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म का टाइटल रोल सावन ने अदा किया था और मुआवन अदाकारों में सुल्तान राही भी थे। यह सुल्तान राही का स्ट्रगलिंग पीरियड था। फिर 1971 की एक ब्लॉकबास्टर फिल्म आसू बिल्ला रिलीज हुई, जिसमें फिल्म स्टार एजाज और नगमा बेगम मेन किरदारों में थे। इस फिल्म का टाइटल रोल असद बुखारी ने किया था और वही इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। ये एक समाजी फिल्म थी। नगमा की अकमल के बाद फिल्म स्टार एजाज के साथ जोड़ी पसंद की जाने लगी। फिर इसी साल 1971 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेट फिल्मी हीरो वहीद मुराद पहली बार किसी भी पंजाबी फिल्म में हीरो आए और हीरोइन नगमा बेगम थी। ये एक नगमाती फिल्म थी जिसने लाहौर सर्किट में गोल्डन जबकि कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए। इस फिल्म में आलिया का धमाल डांस बहुत पसंद किया गया, सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। ये धमाल डांस आज भी आलिया बेगम की पहचान है। इसके अलावा बेशुमार सुपरहिट फिल्में अपने नाम करने वाली नगमा बेगम पाकिस्तान की सफे अव्वल की अदाकारा बन चुकी थी। तकरीबन 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में देने वाली नगमा बेगम ने 1974 में उस वक्त के मशहूर फिल्मी हीरो
हबीब के साथ पसंद की शादी कर ली। हालांकि हबीब पहले से ही शादीशुदा थे, मगर इसके बावजूद दोनों ने पसंद की शादी की। शादी के बाद हबीब और नगमा को अल्लाह पाक ने बेटी की रहमत से नवाजा, जिसका नाम सईदा रखा गया। लेकिन अफसोस के चंद सालों बाद नगमा और हबीब के दरमियान इख्तलाफात जन्म लेने लगे और नौबत तलाक तक जा पहुंची। दोनों के बीच तलाक हो गई। नगमा बेगम के लिए एक अजीम सदमा था, क्योंकि फिल्म स्टार नगमा ने अपने कैरियर के अरूज पर पहले से ही शादीशुदा मर्द के साथ शादी की थी और उसकी खातिर अपना कैरियर दांव पर लगा दिया था। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों समेत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और जागीरदार नगमा बेगम से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन नगमा ने जिसको पसंद किया, जिसकी खातिर अपना कैरियर दांव पर लगाया और उसकी बेटी को जन्म दिया, बिलाखिर उसने नगमा को तलाक दे दी। इस सदमे की वजह से तकरीबन 2 साल नगमा बेगम ने खुद को 4 दीवारी तक महदूद कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल किनारकशी इख्तियार कर ली, खुद को कैद तन्हाई में रखा, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ खुद को संभाला। नगमा की फैमिली ने उसको सपोर्ट किया और दोबारा शोबिज में कदम रखने का फैसला किया। फिल्म स्टार नगमा की बतौर फिल्मी हीरोइन आखिरी फिल्म मेरा नाम राजा, जो 1978 में रिलीज हुई। नगमा बेगम की इसके बाद हबीब के साथ अलहदगी हुई थी और कुछ अरसा फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। तलाक के बाद बेटे की कफालत नगमा बेगम ने खुद की और अपनी बेटी की खातिर दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, मगर इस बार बतौर सपोर्टिंग रोल और करेक्टर एक्ट्रेस जलवागर हुई। 1987 की फिल्म दुलारी, जिसमें सुल्तान राही, अंजुमन, नगमा बेगम, फिरदौस बेगम, बहार बेगम, हुमायूं कुरैशी, इस्माइल शाह, खालिद सलीम मोटा, सलमा मुमताज, अदीब समेत सावन भी थे, ये मेगा हिट फिल्म थी, जिसने लाहौर सर्कट में प्लेटिनियम जुबली मनाई। इस फिल्म की खास बात ये थी कि माजी के कामयाब और सुपरहिट अदाकार और अदाकाराएं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था, वो इस फिल्म में बतौर सपोर्टिंग और करेक्टर एक्ट्रेस में नजर आए थे, जबकि उस दौर में मुआवन अदाकार के तौर पर नजर आने वाले इसमें मेन किरदार में थे, जिनमें सरे फहरिस्त नाम सुल्तान राही और अदाकार सावन का था। इस फिल्म में टाइटल रोल अंजुमन ने अदा किया था। फिल्म स्टार नगमा ने तकरीबन 350 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में और चंद फिल्में उर्दू जुबान में थी। नगमा बेगम की आखिरी फिल्म जो सैयद नूर की डायरेक्शन में बनी, जिसका नाम है तेरे बाजरे दी राखी, जो मुकम्मल हो चुकी है मगर रिलीज होना बाकी है। इसके अलावा नगमा बेगम फिल्मों समेत टीवी ड्रामों में भी नजर आती हैं, यानी आज तक शोबिज इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता। 1960 से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली ये अदाकारा 6 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद आज भी माशाल्लाह शोबिज के साथ वाबस्ता हैं। इस वक्त नगमा बेगम की उम्र तकरीबन 75 साल के करीब है। नगमा बेगम को यह एजाज हासिल है कि उसने क्यामे पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक तकरीबन हर कामयाब फिल्मी अदाकार के साथ काम किया। फिल्म स्टार नगमा ने अपनी अकलौती बेटी की शादी कर दी है और अपने शोहर के हमरा बैरून मुल्क आबाद है, और फिल्म स्टार नगमा लाहौर के पोश इलाके मुस्लिम टाउन के ए ब्लॉक में एक किनाल पर मुश्तमिल अपने घर पर पुरसकून जिंदगी बसर कर रही है। अपने भाई और उसकी फैमिली को अपने साथ रखा हुआ है, जो नगमा बेगम की मुकम्मल देखभाल करते हैं। इसके साथ साथ नगमा बेगम ने अपने वसीओ अरीज घर का एक पोर्शन किराए पर दे रखा है, जिससे मकबूल आमदनी हो जाती है, जिसे बहुत अच्छा गुजर बसर कर लेती हैं। माजी की सुपरस्टार जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, मगर अजवाजी जिंदगी में नाकामी के बाद सारी जिंदगी अकेले गुजारती और आज अपने करोड़ों रुपए मालियत के घर में अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस लिविंग लेजेंड अदाकारा को सेहत तंदरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको फुली सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के चंद मशहूर और लेजेंड फनकारों की वीडियोज के थंबनेल शेयर कर रहे हैं, जो हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर आप ये वीडियोज देखना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोज का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।